Hello everyone, this is me, Safiya here. Market ke liye kya hai hoon? Call reading jo ki hogi for whoever needs it. Topic reading ka rahega un logon ke liye jo janna chahte hain ki kya aapki shaadi us insaan se hogi jisko aap chahte ho, jisse aap pyar karte ho, haan ya na? To ye reading check kar sakte ho. इस रीडिंग में हम आपको गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप प्यार करते हो, जिसे आप चाहते हो, हाँ या ना. पहला कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस का. वाओ, आई कुड सी द सन कार्ड लेकिन वो बाहर नहीं घिरा, सो आई एम नॉट गोना टेक इट आउट. लेकिन पहले दो कार्ड्स के हिसाब से, एक तो एम्प्रेस और द सन के कार्ड के हिसाब से, द आंसर सीम्स टू बी अ बिग यस ऑलरेडी. हाँ, मुझे लगता है कि आपका जो यू नो व्हेन यू लुक विद इन, तो आपको एक इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग इतना स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के साथ कि ये इम्पॉसिबल है कि आपकी शादी इस इंसान से ना हो जिसे आप चाहते हो. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ना सिर्फ आपकी इस इंसान से शादी होगी बल्कि यू विल हैव किड्स विद दैट टू विद दैट पर्सन टू. सो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी शादी इस इंसान से हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेट होगी आपकी शादी मेजॉरिटी लोगों के लिए. मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी जल्दी होगी इस इंसान के साथ. मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर कनेक्शन नया है तब भी, अगर कनेक्शन पुराना है तब भी, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. बट चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी शादी इस इंसान से हो जिसे आप चाहते हो. लेट्स सी, नाइट ऑफ कप्स अगेन, इट्स अ कन्फर्मेशन कि शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है उस इंसान से. इवन दो कि जनरल रीडिंग है और सबके साथ मैच कर सकती है नहीं कर सकती है, बट स्टिल द चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रांग. लेकिन एक चीज़ में यहाँ पे यू नो द नाइट ऑफ कप्स जो है वो काइंड ऑफ कन्फर्म करता है कि डिले होगा. यू नो ये रिलेशनशिप इतना स्मूथली पॉजिटिवली आगे नहीं चले जाएगा, इसमें डिलेज आएंगे, ब्लॉक्स भी आ सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन डिलेज तो डेफिनेटली हैं. तो आपको बहुत पेशेंट रहना पड़ेगा, बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में. मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान में सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, और सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स इस तरह से हटेंगे जैसे यू नो इट्स मोर लाइक कि आपको लगेगा कि ये कभी रिजॉल्व नहीं हो सकती चीज़ें, जो भी ब्लॉक्स हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ जो है ब्लैक मैजिक के भी इन्फ्लुएंस के अंदर हो सकती है, लेकिन जो भी ये सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स रहेंगे, ये आपका फियर इतना स्ट्रांग हो जाएगा इस सिचुएशन में कि शायद ये पर्सन हो ही नहीं सकता जिससे आपकी शादी हो, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं. क्योंकि काफ़ी हद तक आपके ब्लॉक्स जो हैं वो इतने सॉलिड और स्टेबल हो जाएंगे कि आपका फियर जो है वो डोमिनेंट होने लगेगा आपके बिहेवियर्स के ऊपर. गिवन सिचुएशन में आपका फेथ जो आपके एक दिल की आवाज़ है वो बहुत स्ट्रांग है कि शादी इस इंसान से होगी. आपका आपको हर दफ़ा हर मोड़ पर आपका इंट्यूटिव एक जो गाइडेंस आती है वो यही है कि शादी आपकी इस इंसान से होगी. डिलेज के साथ होगी बट होगी इसके साथ. लेकिन एट द सेम टाइम जो सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हैं और या अगर कुछ एविल एनर्जीज का भी इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में, मुझे लगता है कि ये पूरा सिनेरियो इतना टाइम लेगा ख़त्म होने के लिए कि आपके लिए पेशेंट रह पाना मुश्किल हो जाएगा. आपके लिए टॉक्सिक एक सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रहना या पॉजिटिव हो पाना मुश्किल रहेगा. बट चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी शादी इस इंसान से हो और चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली आपके फेवर में चले जाए. और अगर लोगों का इन्फ्लुएंस है कनेक्शन के ऊपर, लोगों की वजह से आपकी शादी इस इंसान से अभी तक नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो भी चांसेस हैं कि चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ जाएँ. और आपके पर्सन के एंड से अगर कोई डिलेज हैं, उनकी फैमिली के एंड से कोई डिलेज हैं, तो चांसेस हैं कि वो भी रिजॉल्व हो जाए मैटर. लेकिन चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन आर वेरी हाई, लेकिन ब्लॉक्स के साथ, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें रहेंगी. लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप पेशेंट रहोगे और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो चांसेस है कि चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो सकें आपके और आपके पर्सन के दरमियान में. लेकिन
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी सरेंडर करना. अगर आप सरेंडर करते हो पॉजिटिव रहते हुए और ये क्वेश्चन नहीं करते कि कब होगी कब होगी कब होगी, एक फेथ रखते हो, एट पीस रहते हो फ्रॉम विद इन, उन लोगों के लिए शादी जल्दी हो जाएगी. नॉट जल्दी बट कंपैरेटिवली उन लोगों से जल्दी हो जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा फियर में घुस जाएंगे. सो मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि आपके लिए बिलीव, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आपके लिए बिलीव रख पाना कि आपकी शादी इस इंसान से होगी इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अब कैसे हो सकती है. सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि शायद इट्स ओवर, लेकिन देन अनएक्सपेक्टेडली पर्सन के एंड से आपको प्रपोजल या कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी जहाँ पर पर्सन आपको प्रपोज करेगा और फिर आपकी शादी इस इंसान से होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे. डिलेज है, लाइक आई सेड अर्लियर, जस्टिस आपको मिलेगा. ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस या फिर लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से सर्कमस्टांसेज जो हैं वो फेवर में नहीं है आपके कनेक्शन के राइट नाउ, इसीलिए डिलेज आएंगे. लेकिन एट द सेम टाइम अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन जो है आगे इस इंसान के साथ जाएगा. सो देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में. ऐसा करते हैं, ओरेकल गाइडेंस की जगह हम आपका सोल मैसेज लेते हैं. लेट्स सी कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है गिवन सिचुएशन में. जो आपका करंट सिचुएशन चल रहा है आपके पर्सन के साथ, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप प्यार करते हो, जिससे आप शादी करना चाहते हो, लेट्स सी कि इस पूरे सिनारियो को लेकर आपकी सोल का मैसेज आपके लिए क्या है. आपकी सोल का मैसेज क्या है आपके लिए. व्हाट योर सोल वांट्स यू टू नो और डू राइट नाउ. मैं कोशिश करूँगी कि इसमें या खुद से कार्ड आए. आई डिडंट वांट टू पुल आउट वन कार्ड फॉर यू. सो अच्छा हुआ कि खुद ही से कार्ड आ गया. सो डू, अच्छा दो कार्ड्स हैं हमारे पास. डू आई सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट मी अप. आपने अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप अपने आप को उन उस तरह के लोगों के बीच में पाते हो जाओ कि आपको हमेशा अपलिफ्ट करते हैं. आप में से मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं और ऐसे लोगों के साथ हैं या ऐसे लोगों के पास हैं जो कि आपको और मज़ीद जो है वो लेट डाउन करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं. मुझे लगता है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स जो है वो उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट करके चेंज करना पड़ेगा. आपको अपने आप को ऐसे लोगों से कट ऑफ करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे थॉट प्रोसेस से कट ऑफ करना पड़ेगा जो कि आपको नेगेटिव फील कराते हैं, जो कि आपको फील कराते हैं कि शायद ये जो आपका आपका कनेक्शन है, आपकी जो रिलेशनशिप है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी. अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे यू नो लोग हैं जो आपके दिल में फियर डालते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं, आपको उन लोगों से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है. द पीपल विद होम वी सराउंड आर सेल्व डिटर्मिन हु वी बिकम. क्योंकि जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा रहते हो आप वैसे ही हो जाते हो. सो कोशिश करो कि अच्छे और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि जिनकी लव लाइफ पॉजिटिव और अच्छी है, ताकि आपकी लव लाइफ में भी वो पॉजिटिविटी आए. वो लोग जो नेगेटिविटी से नेगेटिव नोशन रखते हैं लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, अवॉइड करो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों को का साथ होना अवॉइड करो. मुझे लगता है कि आपकी सोल एक और मैसेज दे रही है आपको कि आपकी ज़िंदगी में कौन लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, कौन लोग हैं जो आपको खुद पे बिलीव रखने का कहते हैं, और कौन लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि अपने ग्रेटेस्ट पोटेंशियल को यू नो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्स द वर्ड, एक्सप्लोर कर सको. अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं, आपने ऐसे लोगों के साथ रहना है. अगर ऐसे ऐसे लोग नहीं हैं और बिल्कुल अपोजिट टाइप के लोग हैं जो आपको हमेशा जो है डीमोटिवेट करते हैं, आपको आपका अपना खुद का जो फेथ है या पॉजिटिविटी है उसको भी ख़त्म करते हैं, एनर्जी सकर्स हैं, उनको भी आपने अपनी लाइफ से दूर करना है. वो लोग जो आपको बार बार कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसे लोगों से आपने अपने आप को दूर रखना है. मेक अ डिज़ायर लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ पीपल विद होम यू विश टू सराउंड योर सेल्फ एंड क्लैरिफाई इफ देर इज़ एनी वन इन योर लाइफ हु नो लॉन्गर सर्व्स यू, कैन यू लव देम फ्रॉम अ डिस्टेंस. आपने काम करना है कि आपने लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो कि आपको जिनके साथ आप रहना चाहते हो, जिस तरह के लोगों के को आप आसपास चाहते हो. देन उसमें से आपने क्लैरिफाई करना है कि उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप अपनी लाइफ में चाहोगे नहीं, यू नो आप नहीं चाहते हो कि वो आपकी लाइफ का पार्ट बने, ऐसे लोगों को बारे में भी आपने मेंशन करना है उस लिस्ट में. एंड देन अलाउ डिवाइन टू हेल्प यू विद इट. व्हाट आर द डोमिनेंट इमोशंस दैट रन माय लाइफ. आपकी लाइफ जो है राइट नाउ कौन से डोमिनेंट इमोशंस को के साथ रन हो रही है राइट नाउ. आपके मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, उनको भी नज़र रखने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में. हाउ डू यू फील योर डे, स्ट्रेस और जॉय, ट्रस्ट और एंगर, एंग्जाइटी और पीस. आपने दिन का जो यू नो हाल है
वो आप अपने दिन जो है वो स्ट्रेसफुल होके गुजारते हो या जॉयफुल होके गुजारते हो, ट्रस्ट करके गुजारते हो या एंग्री होके गुजारते हो, एंग्जाइटी रखते हो या पीस रखते हो फ्रॉम विद इन. वी हैव ओनली टुडे राइट नाउ द जर्नी. नो गोल नो डेस्टिनेशन विल ब्रिंग अस द फीलिंग वी सीक, बट वी बिगिन फीलिंग एवरी डे विद दैट विच वी वैल्यू मोस्ट एंड वी विल अट्रैक्ट मोर ऑफ इट. दिस इज फुलफिलमेंट. आपका जो भी गोल है, आपकी जो भी डेस्टिनेशन है, जो आप चाहते हो कि आपको आप अचीव करो, वो आप कहीं भी बाहर जाकर अचीव नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपको अंदर से उसको लेकर फुलफिलमेंट ना फील हो. सो वो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप अपने गिवन सिचुएशन में उस फेथ के साथ रहो कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल चुका है. जब आप इस फेथ में होगे, फुलफिलमेंट के यू नो स्टेट ऑफ बीइंग में होगे, तो वो चीज़ें जो आप चाहते हो वो आपको जल्दी मिल सकेंगी. सो कोशिश करो कि आप एफर्मेशंस यूज़ करो, वो आपको हेल्प करेंगी टू फील द फुलफिलमेंट ऑफ इट. जैसे अगर आप कहते हो आई एम हैप्पीली गेटिंग मैरिड टू सो एंड सो, तो ये एफर्मेशन ये है कि आपकी शादी हो रही है हैप्पीली इस इंसान के साथ जिसको आप चाहते हो. इवन तो कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है जो आपकी फुलफिलमेंट को बता रही है कि आपकी शादी हो रही है इसके साथ. सो जब आप ऐसी चीज़ों को अफर्म करोगे, ऐसी चीज़ों को माइंड में डोमिनेंट रखोगे, तो ये चीज़ें रियलिटी बनेंगी. इसी तरह अगर आप नेगेटिविटी को या नेगेटिव नोशंस को हावी रखोगे अपने सर पे, दिमाग पे, दिल में, तो मुझे लगता है कि वो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में उसी तरह से यू नो मैनिफेस्ट होती दिखेंगी आपको. सो ट्राई एंड चूज़ वाइजली कि आप अपने थॉट्स कैसे रखते हो ऑल डे. टुडे सोल एक्शन, लीन इन टू वट यू वॉन्ट टू फील एंड एडजस्ट योर लाइफ, योर वैल्यूज़ एंड योर एक्सपेक्टेशंस टू मैच योर डिज़ायर्स. राइट नाउ ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ को एडजस्ट करो, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अपनी डिज़ायर से मैच करने की कोशिश करो. आप में से काफ़ी सारे लोग चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ है आपकी ज़िंदगी में. ये बहुत ज़रूरी है राइट नाउ कि आप बिलीव रखो कि जो आपको चाहिए वो पॉसिबल है अचीव करना. और आपको अपनी फुलफिलमेंट फील करने के लिए उस चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है. यू नो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम कहते हैं कि जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, यू नो हम लोग कहते हैं ना कि सीइंग इज बिलीविंग, एक्चुअली बिलीविंग इज सीइंग होता है. यू नो जैसे अगर आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं रखते, जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने ये रिंग पहनी है, अगर इस पे किसी ने कभी बिलीव नहीं रखा होता तो ये रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती. किसी ने इस डिज़ाइन के ऊपर बिलीव रखा, फिर उसने ये क्रिएट किया, तो देन आई कुड सी इट एज अ रियलिटी इन माई फिंगर. इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैं देखता फिर मैं बिलीव करता कि हाँ ये रिंग है. इन एक्चुअलिटी ये किसी के माइंड में इमेजिनेशन में थी, उसने डिज़ाइन की, उसने ये रिंग बनाई एंड देन उसने सेल की और फिर ये मेरे हाथ में आई है. सो इन एक्चुअलिटी हम इसको हम सोचते हैं. इसी तरह से अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, जो आपकी डिज़ायर है रिलेशनशिप को लेकर, आपकी शादी जो आप चाहते हो उस इंसान से हो, पहले आप अपने माइंड में इमेजिन करोगे, उसको फील करोगे, विजुअलाइज करोगे, फिर वो आपकी रियलिटी बनेगी. नॉट द अदरवाइज कि पहले रियलिटी में आपकी शादी हो जाए फिर आप उसको फील कर पाओगे. सो अगर आप पहले से फील कर पाओगे तो वो रियलिटी आपकी क्विकर बनेगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप अपना थॉट प्रोसेस भी स्विच करो, थोड़ा एडजस्ट करो अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को, ताकि आप जो चाहते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है लाइफ से, वो पूरी हो सके. और कोशिश करो कि आप अपनी थॉट्स को अलाइन कर सको विद व्हाट यू डिज़ायर. तो नेगेटिविटी को बिल्कुल टाटा बाय बाय करते हुए, अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए, मैनिफेस्ट व्हाट यू डिज़ायर. लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए कि आपकी शादी उस इंसान से हो जिससे आप चाहते हो. थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा आपको, इन द सेंस कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा है, लोगों का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा हो सकता है. बट वट एवर द केस इज, अगर आप अपने आप को चेंज कर सको, एडजस्ट कर सको अपने बिहेवियर पैटर्न्स को, तो आपकी लाइफ में आपकी जो शादी है वो आसानी से आपके पर्सन के साथ हो सकेगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. चलिए टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.